नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैकेनिकल गुरुकुल में। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैस्केड रेफ्रिजरेशन। कैस्केड रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं टू प्रोड्यूस अल्ट्रा लो टेम्परेचर, बहुत ही ज्यादा कम टेम्परेचर प्रोड्यूस करने के लिए हम कैस्केड रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। आई होप कि वो आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे पढ़ते हैं। आज पढ़ते हैं हम एडवांटेज ऑफ ड्राई कंप्रेशन ओवर वेट कंप्रेशन, या कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ वेट कंप्रेशन, वेट कंप्रेशन की डिसएडवांटेज क्या होगी। तो सपोज करो ये डायग्राम है आपका, टीएस डायग्राम है, ठीक है, टीएस डायग्राम है। ये हमें पता है ये टीएस डायग्राम वीसीसीआईडी कैसे ही होता है। तो ड्राई और वेट कंप्रेशन का मतलब क्या है एक्चुअल में। ये जो लाइन है, इस लाइन पे, इस लाइन को कहते हैं हम सैचुरेटेड वेपर कर्व। इसको कहते हैं सैचुरेटेड वेपर कर्व। ये लाइन जो है आपकी सैचुरेटेड वेपर कर्व लाइन है, और ये वाली सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो यानी कि इस रीजन को हम कहते हैं सुपरहीटेड रीजन, और इस जगह, इसके और इसके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में ये जो लाइन है आपकी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है, इसको सब कोल्ड रीजन कहते हैं। यहां पर लिक्विड होता है, यहां पर होता है आपके पास लिक्विड, यहां पर लिक्विड प्लस वेपर दोनों होते हैं। इस जगह पे लिक्विड प्लस वेपर होते हैं, और यहां पर सिर्फ वेपर होता है। तो सिर्फ वेपर होगा तो वो ड्राई होगा। वेपर को क्या कह सकते हैं, ड्राई है। वेपर आपका क्या है, ड्राई है। और लिक्विड प्लस वेपर, जो वेपर है आपके वो वेट है। इसको, इस रीजन को वेट रीजन बोलते हैं। इस रीजन को क्या कहते हैं, वेट रीजन। ये जो रीजन है यहां इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इसको वेट रीजन कहते हैं। अब देखो यहां पे कंप्रेशन कहां से स्टार्ट होना चाहिए, इस जगह से। इस जगह से मतलब ड्राई सैचुरेटेड कर्व जो है, सैचुरेटेड वेपर कर्व है, यहां से स्टार्ट होना चाहिए कंप्रेशन। यानी कंप्रेसर पे जब पहुंचेगा, वन पॉइंट पे जब कंप्रेसर पे जब पहुंचेगा आपका रेफ्रिजरेंट, तो उस टाइम पे वो पूरा का पूरा वेपर फेज में होना चाहिए। कंप्रेसर डिजाइन भी वेपर के लिए होता है, ठीक है, तो यहां पर वेपर के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर अगर ये यहां से कंप्रेसर यहां ना जाके कंप्रेशन यहां से स्टार्ट हो जाए, सपोज करो यहां से स्टार्ट होगा कंप्रेशन, ये टू डैश पॉइंट हो गया, ये वन डैश पॉइंट हो गया। कंप्रेशन अगर यहां से स्टार्ट हो जाए तो इस जगह पे क्या है, इस जगह पे आपका वेट रीजन है। ये वेट रीजन है ना पूरा का पूरा। यहां पर लिक्विड प्लस वेपर, यानी कि इस वेपर के अंदर थोड़ा बहुत लिक्विड भी प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये तो वो वेट कंप्रेशन। वेट कंप्रेशन का मतलब जब कंप्रेसर के इनलेट पे आपका लिक्विड प्लस वेपर, या वेट जो बोलते हैं लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर हो, यानी कि पूरी की पूरी वेपर ना हो, तो उसको कहते हैं हम वेट कंप्रेशन। यानी कंप्रेस जो हो रहा है वो वेट रीजन से कंप्रेशन, कंप्रेशन में, कंप्रेसर में जो एंटर कर रहा है रेफ्रिजरेंट वो पूरा का पूरा वेपर फेज में नहीं है, तो इसी को कहते हैं वेट कंप्रेशन कहते हैं, ठीक है, लिक्विड प्लस वेपर है। तो इसका देखो सबसे पहली डिसएडवांटेज क्या होगा, सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि RE पहले ये थी आपकी, और बाद में क्या हो गई, यहां से लेके यहां तक ये RE डैश, ये RE। अब साफ दिख रहा है आपको RE की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि 4 टू 1 की वैल्यू ज्यादा थी, 4 से जो 1 पॉइंट तक था यहां पर, 4 से 1 की वैल्यू ज्यादा थी, यानी कि 4 से 1 ज्यादा वैल्यू थी, और 4 टू 1 डैश जो है वैल्यू कम है, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज होगा वेट कंप्रेशन का, वेट कंप्रेशन का डिसएडवांटेज होगा, सबसे पहला होगा लॉस इन आरई। आरई का लॉस होगा क्योंकि इनकम्प्लीट वेपोराइजेशन कह सकते हैं, कंप्लीट वेपोराइजेशन का मतलब ये वन पॉइंट पे पहुंच जाए, तो लॉस इन आरई, आरई का लॉस होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का लॉस होगा, पहला पॉइंट तो ये होगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये होगा कि
अब लिक्विड रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के अंदर एंटर कर रहा है, कंप्रेसर के अंदर क्या एंटर कर रहा है, अब अगर ब्लू लाइन से जा रहा है तो कंप्रेसर के अंदर क्या लिक्विड भी एंटर कर रहा है, तो जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल को वॉश कर सकता है, वेपर कभी वॉश आउट नहीं करेगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट वो वॉश कर सकता है लुब्रिकेटिंग ऑयल को, अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल को अपने साथ ले जाएगा या वहां से वॉशअप कर देगा, वहां से हटा देगा, तो क्या होगा वियर एंड टीयर। लुब्रिकेटिंग ऑयल क्यों डालते हैं कंप्रेसर में, ताकि वियर एंड टीयर ना हो, ठीक है, तो वियर एंड टीयर ज्यादा हो जाएगा तो कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, दूसरा पॉइंट आएगा लिक्विड रेफ्रिजरेंट में वॉश अवे लुब्रिकेटिंग ऑयल, दस इंक्रीजिंग वियर एंड टीयर, हेंस डिक्रीज लाइफ ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। लिक्विड रेफ्रिजरेंट क्या कर सकता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको वॉश कर देगा तो उसकी वजह से वियर एंड टीयर बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसकी वजह से लाइफ, कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी। ये हुआ आपका सेकंड। थर्ड, देखो जो कंप्रेसर है वो डिजाइन किसके लिए किया है, वेपर के लिए, और लिक्विड एंटर कर रहा है तो वेपर के लिए डिजाइन हुआ है। अब जब वेपर एंटर करेगा तो उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम कुछ और होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कह सकते हो ज्यादा होता है ना, और जब लिक्विड एंटर करेगा तो जब उस टाइम पे स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है। तो जो वाल है, कंप्रेसर की वाल है, वो लिक्विड के लिए डिजाइन नहीं की गई है, तो कंप्रेसर की वाल डैमेज कर सकता है, ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं लिक्विड रेफ्रिजरेंट में डैमेज कंप्रेसर वाल्व, कंप्रेसर की जो वाल्व है, इनलेट वाल्व है, मेनली इनलेट पे ही ज्यादातर होता है वेट कंप्रेशन, तो इनलेट वाल्व को आपका डैमेज कर सकता है कंप्रेसर की। तो ये डिसएडवांटेज है वेट कंप्रेशन की, तो वेट कंप्रेशन की वजह से आरई में लॉस होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा, फिर क्या होगा, लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल को वॉश कर सकता है, और लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर वॉश आउट हो गया तो वियर एंड टीयर बढ़ जाएगा, कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, बहुत जल्दी डैमेज हो जाएगा कंप्रेसर, ठीक है। थर्ड है लिक्विड रेफ्रिजरेंट जो है वो आपका डैमेज उसका इनलेट वाल्व को या कंप्रेसर की वाल्व को भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो ये होगी डिसएडवांटेज वेट रेफ्रिजरेशन की, या इसको कह सकते हैं कि ड्राई कंप्रेशन। तो इसी वजह से, इस इन डिसएडवांटेज की वजह से, देखो अगर आपने साइकिल यहां पे डिजाइन किया है तो हो सकता है कि ये यहां से ना होके यहां से चल पड़े, मे बी डिजाइन आपने यहां पे किया था वन पॉइंट पर, वन पॉइंट स्लाइटली अगर पीछे आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा सुपर हीट हम करते हैं इसको, इसलिए क्या करते हैं कि एक्चुअल जो साइकिल है ये नहीं होता, एक्चुअल साइकिल में थोड़ा सा सुपर हीट कर देते हैं, ये एक्चुअल साइकिल बन जाता है, ये सॉरी वन डबल डैश लिख लेते हैं इसको, टू डबल डैश लिख लेते हैं, ताकि अगर ये वन पॉइंट थोड़ा सा पीछे भी आए तो वेट रीजन में ना आए, ठीक है। डिजाइन कर दिया सपोज करो फ्रिक्शन की वजह से, किसी और वजह से, बहुत सारे रीजन होते हैं, आपको पता है कि ये वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो सकती है, तो थोड़ी सी अगर डिक्रीज भी हो गई ये वैल्यू तो क्या होगा, ये पॉइंट जो है वो वेट रीजन में ना आए, ठीक है, इसीलिए, क्योंकि वेट रीजन में आएगा तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है, तो इसीलिए हम नोट करके एक पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
स्लाइट सुपरहीट इज डिजायरेबल, ठीक है, थोड़ी सी सुपरहीट चाहिए ही चाहिए वीसी साइकिल में, इन वीसी साइकिल थोड़ी सी सुपरहीट होनी चाहिए। अगर ज्यादा हो गई, देखो ज्यादा हो जाएगी सुपरहीट, अगर ज्यादा कर दोगे तो टी वन की वैल्यू इंक्रीज होगी और टी वन इंक्रीज होगा तो वर्क इनपुट टू द कंप्रेसर भी इंक्रीज हो जाएगा। आपको पता है ना कि वर्क इनपुट क्या था, टेम्परेचर टी वन का फंक्शन होता है, जो हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, सुपर हीटिंग का इफेक्ट वहां पर पड़ा था, ठीक है। तो यहां पर ये भी लिख सकते हो टू मच सुपर हीट वुड रिजल्ट इन, टू मच सुपर हीट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्क इनपुट, वर्क इनपुट टू दी कंप्रेसर, क्यों, क्योंकि वर्क इनपुट जो होता है वो किसका फंक्शन होता है, टी वन का। वर्क इनपुट जो हमने देखा था पहले किसका फंक्शन था, टेम्परेचर टी वन का। तो इसीलिए ज्यादा सुपरहीट नहीं करते हैं, तो थोड़ी सी सुपरहीट चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये वन पॉइंट गलती से थोड़ा सा पीछे भी आ गया तो ये वेट रीजन में ना जाए, वेट रीजन में अगर जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कंप्रेसर की लाइफ डिक्रीज हो जाएगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का लॉस होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, है ना, और उसके बाद कंप्रेसर की वाल्व भी डैमेज हो जाएगी। मतलब मेनली क्या है, कंप्रेसर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कंप्रेसर देखो, रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो कंप्रेसर होता है, ठीक है, जो खराब होगा कंप्रेसर ही होगा, अगर सही चल रहा है तो कंप्रेसर सही है, तो कंप्रेसर सबसे मेन चीज है। अब कुछ मैं बेसिक एक दो चीजें वैसे बता देता हूं कि अगर आपको मान लो कोई रेफ्रिजरेटर लेना है या अगर कोई आपको एसी लेना है, तो सिंपली है कि अगर उसका कंप्रेसर अच्छा है तो आपका रेफ्रिजरेटर या एसी जो होगा अच्छा मिलेगा, क्योंकि एसी और रेफ्रिजरेटर जो घर में यूज करते हैं वीसी साइकिल पे ही काम करते हैं। आपके आपके घर में जो यूज हो रहा है रेफ्रिजरेटर है या एयर कंडीशनर है, दोनों के दोनों वीसी साइकिल पे काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसा रेफ्रिजरेटर लो जिसका कंप्रेसर अच्छा हो, या अगर कहीं भी कुछ भी कभी भी खराब होता है रेफ्रिजरेटर में या एसी में, सिर्फ कंप्रेसर खराब होता है और कभी कुछ भी खराब नहीं होता है, या थोड़ी बहुत कहीं हल्की फुल्की इधर उधर से लीकेज आ सकती है, उसके अलावा और कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो थ्रोटलिंग वाल्व खराब होने का मतलब बनता ही नहीं है, रेयर केस में होती है। तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो। All the best and thank you for listening.